कवन कर्म नाम बरनत सुमत मोती तमंदर उसर रतनीता होए जड़ाओ कस्तूर कुंगू अगर चंदन लीप आवे चाओ मत देख भूला विसर तेरा चित नयावै नाओ हर बिन जियो जल बल जाओ मैं अपना गुर पूछ देखिया अवर नाही थाओ धरती तहीरे लाल जड़ती पलग लाल जड़ाओ मोहनी मुखमणि सोह करे रंग पसाओ मत देख भूला विसर तेरा चित न आवे नाओ मत देख भूला विसर तेरा चित न आवे नाओ सिद्ध हुआ सिद्ध लाई हृदय अखा आओ गुप्त प्रगट होए बैसा लोक राखे पहाओ मत देख भूला विसर तेरा चित न आवे नाओ सुल्तान हुआ मेल लश्कर तख्त राखा पाओ हुक्म हासिल करी बैठा नानका सब वाओ मत देख भूला विसर तेरा चित न आवे नाओ विसर नहीं दातार अपना नाम देहो गुण गावा दिन रात नानक चाओ एहो गुण गावा दिन रात नानक चाओ एहो हम अवगुण भरे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिख बिख माया मोह परम पै भूले सुत दारा स्यों प्रीत एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास सो कहो टल गुर सेविए अहनस सहज सो पाए दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख जाए होवे सिफत खसम्मदी नूर अर सह कुर सह चटिया सच्चे पात शाह मल जन्म जन्म दी कटिया सजन सच्चा पात शाह सिर साहांद साहो जिस पास बैठे सोहिया सभना दावे साहो सत नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी टोडी महला पंजवा कार पंजवा दो पदे एक
एक ओंकार सतगुर प्रसाद ऐसो गुण मेरो प्रभ जी की ना पंच दुख अर अहंग रोग एह तन ते सगल दूर की ना ऐसो गुण मेरो प्रभ जी की ना पंच दुख अर अहंग रोग एह तन ते सगल दूर की ना रहाउ बंधन तोर शोर बिख्याते गुर को शब्द मेरा हियरे दीना रूप अनरूप मोर कछ ना बिचारेओ प्रेम गहेओ मोहे हर रंग पीना पेखेओ लालन पाट बीच खोए आनंद चित्ता हर खे पतीना तिसही को ग्रहो सोई प्रभ नानक सो ठाकुर तिसही को तीना पेखे ओ लालन पाट बीच खोए आनंद चित्ता हर खे पतीना तिसही को ग्रहो सोई प्रभ नानक सो ठाकुर तिसही को तीना वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। तू सुल्तान कहा हो मियां तेरी कवन बड़ाई जो तू देहे सो कहा स्वामी मैं मूर्ख कहन न जाई तेरे गुण गावां देहे बुझाई जैसे सच मैं रहो रजाई दसा पातशाहियां दी आत्मक जागदी जोत हाजरा हजूर जहरा जहूर सर्ब कला भरपूर सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे पवित्र पावन हजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु की साजी और नवाजी हुई गुरदेव दे परम प्यार च परोती हुई गुरु रंग चरंगी हुई गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ वड्डियां भागां वाले हो के अमृत वेले तो साहिब नौवें पातशाह धन गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह गरीब नवाज जी दे पावन पवित्र चरण छो प्राप्त इतिहासक स्थान ते हाजरियां भर के नतमस्तक हो के आप जी ने रब्बी बाणी श्री आसा जी दी वार दे शब्द कीर्तन सरवण कीते हन। गुरदेव जी ने अमृत वेले पावन पवित्र श्री मुख वाक हुक्मनामे दी दात सानू सारिया नू बख्शिश कीती है। आओ कुछ समय लई मन बिरतियां एकाग्र करके गुरबाणी दी परम पवित्र विचार नाल जुड़िए। सतगुर नो सब को वेखदा जेता जगत संसार डिठे मुक्त न हो वही जिचर शब्द न करी विचार। गुरबाणी दी विचार हर एक गुरसिख लई हर एक माई भाई लई जरूरी है। जदों तक गुरबाणी दी विचार नहीं करदे नहीं सुनदे
उतनी देर तक जीवन जाच किस तरह की होनी चाहिए है, गुरसिख का जीवन किस तरह का होना चाहिए, वह बोध नहीं होंदा। तो गुरबाणी साढ़े वास्ते महान चानना है, जिवें अंधियारे दीपक चाहिए, अंधकार विच हनेरे च जिवें दीवे की लोड़ हुंदी है, इस तरह उच्चे सुचे जीवन नू जीवन वास्ते गुरबाणी दे आशे दी, गुरबाणी दे सिद्धांत दी जरूरत है। बिना सतगुरां दी बाणी दे सिद्धांत तो उच्चा सुचा जीवन नहीं हो सकता। आओ मन बिरतियां एकाग्र करिए। पंचम पातशाह धन गुरु अर्जन देव साहब जी दे पवित्र चरणा नाल अपना ध्यान जोड़दिया होया समूह माई भाई आखो जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी, सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी। टोडी महला पंजवा कार पंजवा दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। टोडी राग है, पंचम पातशाह शहीदां दे सरताज सतगुरु गुरु अर्जन देव साहिब ये पावन पवित्र अमृत बचन उचारण कर रहे हैं। घर पंजवां पंजवें घर सुरताल विच शब्द नूं गायन करन दा हुक्म है। दो पदें वाला यह शब्द है। मंगलाचरण करदे हन एक जिस वर्गा कोई दूजा नहीं, अदुती जो सजाती बजाती सबगत तिन्ना भेदां तो रहत है। एक कहण नाल द्वैश दा अपने आप ही नाश हो जांदा। जिथे द्वैश है उथे परमेशर नहीं है। जिथों द्वैश चली जावे एक दा भाव हिरदे च रह जावे उथे अकाल पुरख वाहिगुरु जी पार ब्रह्म परमेशर जी प्रत्यक्ष हो जांदे हन। एक अदुती जिस वर्गा कोई है ही नहीं दूजा। यों कह लो कि जिस दी हस्ती वर्गा वो आप ही है, ओदी वो हस्ती वर्गा वो खुद आप ही है। ओ अंकार जो सारियां विच व्यापक है, हर जगह विच हर जर्रे विच हर कण विच व्यापक है, जो सर्ब थाई रह रहा है सारियां विच व्यापक है, उन्हूं कहिंदे ने ओ अंकार। सतगुर प्रसाद, सतगुरु जी की कृपा द्वारा ही उस पराब्रह्म परमेशर दे स्वरूप की प्राप्ति हो सकती है। सतगुर प्रसाद, सतगुरु जी जदों कृपा करनगे तां उस पराब्रह्म परमेशर दे स्वरूप की प्राप्ति हो सकती है। इत्थे सतगुर शब्द वरत्या महाराज जी ने, यानी कि जिहड़ा सच्चा गुरु है। गुरु तो संसार विच बहुते लोगों नूं कहा जांदा, जे कोई किसी नूं साज सिखा देवे संगीत सिखा देवे लोग उस संगीत सिखाण वाले नूं भी गुरु कहिंदे। जी ये साढ़े संगीत दे गुरु ने। किसी कोलों कोई विद्या ग्रहण करदा वह कहिंदा जी ये मेरे विद्या दा गुरु है। किसी कोलों कोई दस्तकारी दा गुण सिखदा कहिंदा जी ये मेरा गुरु है। आम करके उस्ताद शब्द वरत लैने आ। उस्ताद यह उर्दू का शब्द है, उर्दू फारसी मूलक है, गुरु जिहड़ा संस्कृत शब्द है। अर्थ दोनों दे कोई नहीं, भी गुर देण वाला जिहड़ा गुर देवे वह गुरु गुण दे देवे। सतगुरु शब्द जदों महाराज जी वरतदे है सतगुर प्रसाद, इहदा मतलब जिहड़ा सत दा उपदेश देण वाला गुरु है, पारब्रह्म परमेशर दे स्वरूप दा बोध देण वाला गुरु। क्योंकि गुण तो कोई भी जिहड़ा भी गुण दे रहा वह गुरु है, गुर देने वाला गुरु है। पर सत दा उपदेश देवे, अकाल पुरख दे स्वरूप दा जिहड़ा उपदेश देवे उहनू कहिंदे आ सतगुर। सो ऐसे सतगुरु जी जदों प्रसाद कहिंदे आ किरपा नू, दया नू, जदों सतगुरु जी किरपा करदे ने
फिर उस ओहकार ते एक ब्रह्म स्वरूप अकाल पुरख के स्वरूप की प्राप्ति होंदी है। ये मंगलाचरण करके महाराज जी शब्द की प्रारंभता करते हैं। ऐसो गुण मेरो प्रभु जी कीना, मेरे प्रभु जी ने, मेरे वाहिगुरु जी ने, मेरे रब जी ने मेरे ते एहो जा परोपकार कीता। इत्थे गुण दा अर्थ है परोपकार, मेरे ते गुण कीता, परोपकार कीता। गुण दे अर्थ प्रकरणा मुताबक वखो वखरे हो सकदे आ। गुण नाम गुण दा भी हो सकदा है, गुण नाम जिहड़ा तनख दा चेला हुंदा उहनूं भी गुणा कह दिंदे हन। तो गुण इत्थे गुण दा अर्थ है परोपकार। मेरे प्रभु जी ने मेरे उत्ते बड़ा वड्डा महान उपकार कीता। उपकारां दी गिणती कोई नहीं, वाहिगुरु ने साडे ते किन्ने क कीते आ उहदी आपां गिणती नहीं कर सकदे। सब तो वड्डा परोपकार परमेशर ने साडे ते उदों कीता जदों सानू ये मनुखी जामा प्रदान किया। मनुखी जामा बना के फिर माता दे उदर दे विच रखिया की धीए भी उहदा उपकार है। जन्म दिता ये भी उसे दा उपकार है। पहनण नू वस्त्र दिते, खाण नू भोजन दिता, हंडाण नू अनेक प्रकार दियां वस्तुआं दित्तियां, ये सब उस अकाल पुरख परमेशर दे कीते उपकार ही हन साडे ते। पर इन्हां सारे उपकारां विच्चों एक उपकार मेरे प्रभु ने मेरे ते बड़ा महान कीता। पंचम पातशाह कहिंदे बड़ा वड्डा पर उपकार कीता। वो महान उपकार केड़ा कीता दसदे हन। पंच दोख अर अहंग रोग एह तन ते सगल दूर कीना। मेरे प्रभु जी ने मेरे ते ए बहुत वड्डा उपकार कीता है कि मेरे अंदरों जेड़े पांच दोष सन। पांच दोष केड़े ने? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांच दोष ने। अखां वेखदियां ने ते वेखना ही चाहुंदियां, पर स्त्री दे रूप नूं वेख के प्रसन्न हुंदियां, प्राया धन वेख के प्रसन्न हुंदियां। कन्न ये सुनना चाहुंदे आ ते सुनना ही की चाहुंदे, अपनी उपमा ते दूजे दी लायत बारी निंदा। इसे तरह रसना स्वाद पखना चाहुंदी है। नासका ये सुगंधी लैना चाहुंदी है। चमड़ी स्पर्श चाहुंदी है। पांच दोष ने, इन्हां दे असी वस हाँ, इन्हां दे वसीकार। जिन्ना चिर असी जागृत अवस्था च रहने हाँ, जागृत अवस्था विच पांच दोष ही चलते हैं। कदे असी कुछ वेखण लग पैने, कदे कुछ खाण लग पैने, स्पर्श भाव च चले जाने, कदे कुछ सुनन लग पैने। तो इस प्रकार ये पांच दोष हमेशा ही साडे ते प्रबल रहिंदे, और इन्हां दे अधीन हो के साडा जीवन बसर हुंदा। ये जेडे पांच दोष ने, अखां नाल पराया रूप वेख के, कन्नां नाल पराई निंदा सुन के जो हिरदे च खुशी महसूस हुंदी है, ये दोष है, बड़ा वड्डा दोष है। कहिंदे जेडे पांच दोष ने, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, अर अहंग रोग और काम क्रोध आदिक जेडे हंकार वर्गे प्रबल रोग सन मेरे अंदर। पांच दोष और हंकार सहित जेड़े काम क्रोध लोभ मोह हंकार, ये पांच विकार ने। हंकार बड़ा वड्डा रोग है, अहंग रोग सब तो वड्डी बीमारी हंकार दी है साडे अंदर। जिथे हंकार होवेगा उत्थे बाकी दियां सारियां बीमारियां आ जांदियां, ये जड़ है बीमारियां दी। जिवें कहावत है ना, भी पेट साफ ना होवे ते वो बहुत सारियां बीमारियां नूं जन्म दिंदा। इस तरह जिहड़ा हंकार है ये बहुत सारिया बीमारिया होर भी सद लेंदा। जिथे हंकार आ जाए उत्थे बहुत सारिया बीमारिया होर भी आ जांदियां, उत्थे काम भी आ जांदा, उत्थे क्रोध भी आ जांदा, उत्थे लोभ भी आ जांदा, उत्थे ईरखा भी आ जांदी है, उत्थे द्वेष भी आ जांदी, जिथे हंकार ने आना। क्योंकि हंकार जड़ है बीमारिया दी, अहंग रोग।
तदे पातशाह ने कहा हो मैं दीर्घ रोग है, बड़ा वड्डा रोग है, बड़ी वड्डी बीमारी है। छेवें पातशाह धन गुरु हरगोबिंद साहब मीरी पीरी दे मालक सतगुरु जी सिखां नूं उपदेश दे रहे ने। पातशाह कहिंदे सिखो अहंग भाव नूं त्याग के भजन करना, हंकार दी बिरती नूं त्याग के भजन करना, नितनेम करना, बाणी पढ़नी है। सिखा आख्या महाराज जी अहंग भाव नूं त्यागना क्यों जरूरी है? ते गुरदेव ने उदाहरण दित्ती, छेवें पातशाह ने ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਗਤ ਮਾਲਾ 'ਚ ਲਿਖੇ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਗਤ ਮਾਲਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ 11ਵੀਂ ਵਾਰ ਦਾ ਟੀਕਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ, ਸਿੱਖੋ ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਖੂਹ 'ਚੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਵੀ ਖੂਹ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨਗਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਗਰ 'ਚ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਗੌਹ ਨਾਲ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪਈ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਮਰੀ ਪਈ ਹੈ ਖੂਹ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਅਤੇ 100 ਡੋਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੋੜ ਦਿਓ, ਥੱਲਿਓਂ ਪਾਣੀ ਨਵਾਂ ਸੋਮਿਆਂ 'ਚੋਂ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਮੁਸ਼ਕ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ 100 ਡੋਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਮੁਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਬਦਬੂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਵੀ 200 ਡੋਲ ਹੋਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ 100-200 ਡੋਲ ਹੋਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਮੁਸ਼ਕ ਫਿਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਆ ਕੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਵੀ ਬਿੱਲੀ ਤਾਂ ਵਿੱਚੇ ਪਈ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲੀ ਕੱਢੋ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟੋ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਖੂਹ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਦਬੂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿੱਲੀ ਆ ਇਹ ਹਉਮੈ ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੁਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸ਼ਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਸੜਾਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸੜਾਣ ਹੈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ ਹਿਰਦੇ 'ਚੋਂ, ਇਹਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਭਜਨ ਕਰੋ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੋ, ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੋ ਇਹ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਰੋਗ ਹੈ ਅਹੰਗ ਰੋਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਉਪਕਾਰ ਕਰਕੇ 5 ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਸਹਿਤ ਜਿੰਨੇ ਰੋਗ ਸੀ ਇਹ ਤਨ ਅਤੇ ਸਗਲ ਦੂਰ ਕੀਨ ਮੇਰੇ ਇਸ ਤਨ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। 5 ਦੋਸ਼ ਵੀ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਸਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬਲ ਰੋਗ ਸਨ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਹਾਓ ਬੰਧਨ ਤੋਰ ਸ਼ੋਰ ਵਿਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰ ਕੋ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਹੀਰੇ ਦੀਨ। ਬੰਧਨ ਤੋਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਛੋਰ ਵਿਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਿਆ, ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਤ ਹੋਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰ ਕੋ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰਾ ਹੀਰੇ ਦੀਨ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵੱਸ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਤ ਸੀ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ, ਨਿਰਵਿਰਤ ਹੋ ਗਈ।
मेरे गुरु ने मेरे हिरदे विच अपने शब्द का निवास कर दिता। तो जिन्हां हिरदयां च गुरु का शब्द वस जाए उन्हां हिरदयां च विषय विकारां दी रति चली जांदी है। रूप अनरूप मोरो कछ ना बिचारियो, प्रेम गहयो मोहे हर रंग पीना। मेरे मालक ने मेरे प्रभु ने मेरे किसी रूप अनुरूप की विचार नहीं की, सफाई जां सरूप जां क्रूप की विचार नहीं की, भी इहदे च गुण की है ते औगुण की है। मेरे किसी गुण औगुण नूं नहीं विचारिया मेरे मालक ने। ਇਹ ਦਾਤ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਔਗਣ ਵੇਖਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਓਗੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖਣਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਣੀ ਬੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਵਿੱਦਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਬੜੀਆਂ PhD ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੇ बड़े बड़े गोल्ड मैडल लए है, ये नहीं वेखना। ना गुरु ने यह वेखना भी अनपढ़ इनू तो आउंदा नहीं कख, इहदे वास्ते कागज ते लिखे हुए जिहड़ियां अखर ने वह काले अखर ने, काली भैंसां दे तुल ने। गुरु ने यह भी नहीं वेखना। गुरु ने प्रेम वेखना भी इहदे अंदर मेरे प्रति प्रेम किहो जिहा, भावना किहो जी है। प्रेम वेख के सतगुरु जी रीझदे आ, ना गुण वेखदे आ ना औगुण वेखदे आ। कहिंदे मेरे प्रभु ने ना मेरा रूप वेख्या ना अनुरूप, ये नहीं वेख्या भी बड़ा सोहना, बड़ा सुंदर है, बड़ा गोर वर्णी है। ये भी नहीं वेख्या भी काला शाह रंग है। ये भी नहीं वेख्या कि बड़ा कोझा जिहा रूप है, भयानक जिहा रूप है। ये भी नहीं वेख्या, रूप भी नहीं वेख्या, रूप अनुरूप की विचार ही नहीं कीती। प्रेम वेख्या मेरे साहब ने। जिन्हां अंदर प्रेम है उन्हां नूं सतगुरु जी ने अपने रंग विच भिगो लिया। प्रेम गहयो मोहे हर रंग पीन, मेरा प्रेम ग्रहण कीता मेरे मालक ने, और प्रेम नूं वेख के मैनू अपने रंग दे विच रंग लिया, अपने भजन दे रंग विच रंग लिया। वेख्यो लालन पाट बीच खोए, आनंद चिता हर खे पतीना। जदों मेरे अंदर दे बजर कपाट खुल गए, भरम दे पर्दे दूर हो गए, ते भरम दे पर्दियां नूं दूर करके मैं अपने अंदर अपने लालन स्वरूप प्यारे रब नूं वेख लिया। वेख्यो लालन, लालन नाम हुंदा प्यारे दा। मैं अपने प्यारे नूं वेख लिया। पाट बीच खोए कदों वेख्या, जदों मेरे अंदरों पर्दा दूर हो गया। पाट नाम हुंदा पर्दियां दा, पाट नाम हुंदा दरवाजे दा। जदों मेरे अंदरों मेरे मालक ने भरम दा दरवाजा खोल दिता, भरम दूर कर दिता, तो मैं वेख लिया अपने लालन नूं, अपने अंदर ही वेख लिया। जदों वेख्या आनंद चिता, कहिंदे मेरा चित आनंद च वरत गया, हिरदा आनंद नाल भर गया। हरखे पतीन, मैं खेड़े बिच आ गया, विगास बिच मेरा मन पतीज गया, आनंद ही आनंद वरत गया हिरदे च, कणा आनंद हिरदे च आण वरतिया। तिस ही को ग्रहो सोई प्रभ नानक, सो ठाकुर तिस ही को तीना। मेरा ये शरीर रूपी घर उस अकाल पुरख का ही घर है, वो इहदा स्वामी है। ये शरीर मेरे प्रभु का मंदिर है और वो इहदा स्वामी है, वो इहदे च रहिंदा है। ये भावना होनी चाहिए है। हुण जिथे हरी रहिंदा होवे, परमेश्वर रहिंदा होवे, फिर साडा की यतन होना चाहिए भी जिथे उन्हें रहना है उन्हें चंगी तरह साफ रखिए। ये अंदर जो गंद मंद गंदियां विचारां नूं धारण ना करिए भी अंदर गंदगी खिलरी रहे, तो हरी ने कित्थे वसणा। असी महाराज जी का पावन सवारा जदों लैके जाइए घर, जदों प्रकाश करना हुंदा इस कमरे च, उन्हूं चंगी तरह साफ सफाई इशनान करा के नवी बिछाई बिछा के सोहना चंदोआ ताणदे आ भी साहबां दा सरूप आउणा प्रकाश करना।
इसे तरह यह काया परमेशर का मंदिर है, परमेशर ने ये चा के बसना, पहला इनू भी साफ रखना पैना, ता ही अमृत वेले उठ के इनान पान करते हैं। बाहरों तो कर लिया इनान, पर अंदर मलन विचार की गंदगी जी पई हुई है, वो जड़ियाँ मलीन विचार ने उन्होंने क्ढना हिरदे चो, वो मलन विचार क्ढ के हिरदे शुद्ध करने का यतन करना, शुभ विचार शुभ ख्यालात वो सुगंधियां अंदर तुखाणिया ने, फिर वह हरि ने ये आके बसना। कहिंदे ये घर उस स्वामी का है, मैं उसे नूं त्यौंदा हाँ, तिसही को तीन, तीन नाम हुंदा त्यौंदा। कहिंदे मैं उसे मालक नूं, उसे प्रभु नूं, वाहिगुरु नूं, परमेशर नूं त्यौंदा हाँ। लड़ीवार कथा दखणी ओंकार बाणी दी आप जी सरवण कर रहे हो, 36 पौड़ियां पिछे गुरु साहब जी की दया मया नाल संपूर्ण हुई हैं। 37वीं पौड़ी प्रारंभ हो रही है। सरवण करन तों पहला धन गुरु नानक देव साहब के चरणों च अपनियां हाजरियां लवाउंदे आखो जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी, नाना करतना छूटी है बिन गुण जमपुर जाहे। नाना प्रकार दे कर्म कीते हैं, नाना दा मतलब हुंदा अनेक, नाना बेद, नाना दा मतलब अनेक, अनेक तरह दे कर्म कांड कीते हैं। ए सजना तू नहीं छुटना, जिन्हें मर्जी कर्म करी चल, जिन्हें मर्जी कर्म कांडा च प्रविरत हो जा, पूजा कर लै, अर्चना कर लै, यज्ञ कर लै, हवन कर लै, तीर्थां दा भरमण कर लै, जिन्हें भी कर्म तू कर रहा करी चल, भुखे नूं रोटी खवानी आ, प्यासे नूं जल छकाउणा, ये सारे कर्म कांड ही ने। जे तू कहे भी ये कर्म करके ही मैं छुट जावांगा तो नहीं छुट सकता। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। कईआं नूं भरम हुंदा ना भी मैं कम चंगे करदा इहदे नाल मैं मुक्त हो जाणा, मैनू की लोड़ आ रब रब करन दी, मैनू की लोड़ आ गुरद्वारे जाण दी, मैनू की लोड़ आ धर्म स्थानां ते जाके मैं झाड़ू फेरदा फिरां, मैं तां हिरदा शुद्ध रखिआ अपना, कर्म चंगे करदा। तो धन गुरु नानक साहिब फैसला दे रहे ने कि कल्ले कर्म कांडा दे नाल तू मुक्त नहीं होना, चाहे किन्ने प्रकार दे कर, नाना दा मतलब अनेक प्रकार दे कर्म कांड कर ले। विण गुण जमपुर जाहे, विण गुण इत्थे गुण दा मतलब है ज्ञान रूपी गुण। जदों तक सज्जना तेरे अंदर ज्ञान रूपी गुण नहीं आउंदा, ज्ञान रूपी गुण तो विण विहूणा, ते फिर सजना जिन्ने मर्जी कर्म करी चल जमपुरी तेनू जाना ही पवेगा। ज्ञान गुण तो बिना जमपुर जाहे, जम दी पुरी नू जाना पवेगा, जम दे धाम नू जाना पवेगा, क्योंकि तेरे अंदर ज्ञान कोई नहीं। ज्ञान बिना किवें तू प्रभु दे घर विच जा सकदा, ज्ञान विहूणे बंदे तां फिर जमपुरी नू जाणगे ना। इत्थे ज्ञान की है, तत्व ज्ञान, निज सरूप दा ज्ञान, आत्म स्वरूप का ज्ञान। वो आत्म स्वरूप का ज्ञान जिन्हां नूं नहीं होया, कर्म जिन्ने मर्जी करी जाण, एक जानवर नूं भी तुसीं उहदे ते मशक पानी दी भर के टोरी फिरो, हुण उह जानवर भी कम तां चंगा ही करदा ना, पानी पियाई जांदा उत्ते मशक भरी गया, लोग पीवी जांदे आ प्यासे, वो जानवर किसे नूं अपने ते बिठा के एक थां तो दूजे थां ते लिजा के उन्हूं पचांदा है। जानवर ने, पशु ने, कर्म तो वह भी चंगे कर रहा है, पर कि वह मुक्त हो जाएगा उन्हां कर्मां नाल? जानवर पशु कर्म चंगे कर रहे ने, किसी नूं आवाजाई का साधन बन के किसी नूं एक जगह तो दूजी मंजिल ते पहुँचा दिता। बहुत सारे सुसिखित जानवर होंदे जो बड़े बड़े चंगे काम करदे, किसी राजे की सभा दे विच उह सीस झुकाउंदे आ, कई तरह दीआं प्रक्रियावां क्रियावां करदे, पर उह मुक्त तां नहीं हुंदे ना, क्यों? उहनां नूं ज्ञान नहीं हो सकदा निज सरूप दा। पशु नूं अपने निज सरूप दा ज्ञान नहीं हो सकदा, इस करके मुक्त नहीं हो सकता।
मनुख नूं परमेश्वर ने एक ऐसी दात दित्ती आ मोलक भी अपने निज सरूप नूं बुझ सकदा, यह अपने निज सरूप नूं जाण सकदा। ते जे अपने निज सरूप नूं जाणे ही ना, ज्ञान विहूणा ही अपनी जिंदगी नूं बतीत करदा, तां फिर पातशाह कहिंदे जमपुरी नूं जाएगा सजणा, कर्म कांड करके मुक्त नहीं जे होना, तू बंधना तो मुक्त नहीं होना, सगों होर ज्यादा बंधना विच ग्रसिया जाएगा। ना तिस एहो ना ओहो है, अवगुण फिर पछताहे। पातशाह कहिंदे अवगुणा दे विच लग के तू इन्ना पछतावेगा, फिर के पछतावेगा अवगुणा च लग के। जिहड़ा बंदा अवगुण आ रहा उहनूं पछतावा करना ही पैंदा, भावें अज करे भावें कल, ते भावें इस शरीर नूं त्यागण तों बाद करे, पछतावा जरूर होवेगा कि मैं अवगुणा नाल जिंदगी बतीत कीती। कोई भी अवगुण यारा मनुख, किसी नूं भी कोई माड़ी आदत है, वह किते ना किते जाके एक दिन कहिंदा वी मेरी ये माड़ी आदत पर मैनूं लग गई है, मैं छड्ड नहीं सकदा, पर है ये बड़ी माड़ी। नशेड़ी बंदे बहुत ज़्यादा नशे की रत्त दे विच जदों उहनां दा शरीर बिल्कुल डिगण वास्ते डिग पैंदा, फिर उन्होंने ये गल महसूस होंदी मेरा औगण है, क्योंकि कर औगण पछोतावना। महाराज गुरु नानक साहब कहिंदे औगण करके पछताना ही पवेगा, चाहे अज पछता चाहे कल पछता। तो बिना गुणा तो अवगुणा सहित जदों ये जीव पछताउंदा है, फिर ना तिस इह ना ओह है, कहिंदे ना ये लोक सवारिया ते ना ओ परलोक सवारिया, दोवें जहान बिगाड़ ले। ज्ञान गुण तो बिना औगणा विच लगे हुए जीवां ने अपना यह लोक भी बिगाड़ लिया ते ओ परलोक, ना तिस इह ना इह रहा, ना ओ है ना परलोक रहा, यानी कि अपने दोवें जहान बिगाड़ ले। ना तिस ज्ञान ना ध्यान है, ना तिस धर्म ध्यान। पातशाह कहिंदे ना इहनूं ज्ञान की प्राप्ति होई, ना इहदा ध्यान केंद्रित होया अपने निज सरूप च, ना इहने किसे पासे धर्म दे विच अपना ध्यान धारण कीता। बिना नावै निरपौ कहा, क्या जाना अभिमान। महाराज जी कहिंदे परमेश्वर दे नाम तो बिना तू किवें निरपो हो सकदा, अकाल पुरख दे नाम तो बिना तू किवें निडर पदवी नूं प्राप्त कर सकदा। गुरदेव कहिंदे क्या जाना अभिमान, क्या जानिए इस अभिमानी दा अगे जा के की हाल होना, क्या जानिए। ਇਹ ਅਭਿਮਾਨੀ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਕੀ ਦਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਆ ਜਾਣੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕੁਝ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਤੋ ਨਾਮ ਜਪੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਨਿਰਭਉ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਅਵਸਥਾ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਭਜਨ ਕਰੀਏ, ਨਾਮ ਜਪੀਏ। नाम तो बिना निडरता नहीं आउंदी, नाम तो बिना निरपयता नहीं आउंदी। ते फिर पातशाह कहिंदे क्या जानिए अभिमानी बंदे दा अगे जाके की होवेगा। थाक रही केव अपड़ा, हाथ नहीं ना पार। हुण बेनती करन दी जुगत दस दे महाराज, कहिंदे इदा बेनती करो हे वाहिगुरु साडी बुद्धि थक गई है, वेखद्या वेखद्या साड़ी मत साड़ी बुद्धि थक गई है, मैं किवें तुहाडे ताईं पहुंचा। केव अपड़ा, अपड़ा का मतलब किवें तुहाडे ताईं पहुंचा। हाथ नहीं ना पार, कहिंदे मैनू इस भव सागर नूं तरन वास्ते कोई आसरा ही नहीं दिसदा, पारला किनारा ही नहीं पिया दिसदा, मेरी बुद्धि थक गई है, हार गई है, मैं तुहाडी शरण विच हाँ। ना साजन से रंगुले, किस पह करे पुकार। मैनू ना कोई मेरा एहो जा रंगला सज्जन मिलदा, रब दा प्यारा कोई महापुरख कोई महात्मा साधु नहीं पिया लभदा जिहदे कोल जाके मैं अपनी पुकार करां। महाराज मैनू दिसदा ही नहीं कोई,
ना कोई सज्जन दिसदा, कोई रब का प्यारा महात्मा नहीं दिसदा, ना कोई रंगोले। रंगोले का मतलब हुंदा जिहड़े परमेशर दे रंग च रंगे हुए परमेशर दे प्यारे ने। महाराज वो मैनू लभदे नहीं, मेरा तो यतन ही नहीं मेरे को हो रहा भी किवें लभां किवें भाला। हे गरीब नवाज, मेरा तुहाडे बिना कोई नहीं है, मैं किहदे कोल जाके पुकार करा, किस पह करी पुकार। महाराज किहदे कोल जाके पुकार करा, जिवें माता जी ने कहा सी ना, जियो डरत है अपना कैसो करी पुकार। महाराज गुरु नानक साहब दे बचन ने, महाराज तुहाडे बिना किहदे कोल जाके पुकार करा, मैनू तुहाडे बिना कोई दूसरा नहीं दिसदा सुझदा। नानक प्रयो प्रयो जे करी मेले मेलन हार। जद एदां बेनती कीती ते फिर अगों वाहिगुरु की आवाज आई, उन्हें आख्या भी सजना एदां कर। जद अरदास कीती ते परमेशर ने फिर राह दस्या, कहिंदे एदां कर भी प्रयो प्रयो पति पति कह के परमेशर नूं पुकार, वाहिगुरु 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 कह के उन्हूं आवाजां मार। नानक प्रयो प्रयो जे करी, जे उस प्यारे परमेशर दा नाम लै के उन्हूं जपें उन्हूं आराधें ते फिर वह दया करेगा। मेले मेलनहार, वह मेलनहारा हो के तरस करके तेनू अपने नाल मेल लवेगा। कहिंदे ऐ जीव रूपी इस्त्री है, जदों पति पति कह के प्यारे नूं पुकारेंगी, ऐ मेरे प्यारे पति परमेशर जी, इउं कह के आवाजां मारेंगी ते फिर वह पति परमेशर तेनू अपने कंठ नाल ला लवेगा। वह मेलनहार स्वामी वाहिगुरु जी आप दया करके तेनू अपने नाल मेल लैणगे। जिन्हां विछोड़ी सो मेल सी गुर कै हेत अपार। पातशाह कहिंदे जिन्हें विछोड़िया उसे नहीं मेलना सी ना, जिसने विछोड़िया उसे ने मेल लिया। किवें मेलिया? कहिंदे गुरु दा प्रेम ते प्यार दे के। गुर कै हेत अपार, कहिंदे गुरु दा जिहड़ा हेत सी प्रेम सी उह दे के अकाल पुरख वाहिगुरु परमेशर जिन्हें विछोड़िया सी उन्हें ही गुरु दे द्वारा गुरु दे प्रेम द्वारा सानू अपने नल मेल सी मेल लिया। पाप बुरा पापी को प्यारा। हे भाई ये पाप बुरा, केड़ी दुनिया दे केड़े व्यक्ति नू नहीं पता भी पाप बुरा, किनू नहीं पता झूठ बोलना माड़ा, किनू नहीं पता निंदा करनी माड़ी है, ये पाप है। किनू नहीं पता भी ठगी करनी किसे नाल, छल करना फरेब करना, ये पाप है। पता भी है मनुख नू, पर पाप बुरा ये जानदा होया भी पापी मनुख जेड़ा पाप करन विच रत रखदा उनू वो पाप प्यारा लगदा। पाप बुरा पापी को प्यारा, पापी नू प्यारा लगदा। वो कहिंदा मेरा इहदे बिना सरदा नहीं है जी, की करा, झूठ बोले बिना मेरी दुकान नहीं चलती, मेरा कारोबार नहीं चलता, सानू तो यह ठगी करनी पैंदी है, किवें बच्चे पालांगे असीं। पापी मनुख दे कोल सैकड़े बहाने हुंदे आ पाप करन दे, सैकड़े बहाने। जी असीं तां करदे आ, मजबूरी है जी साडी, की करिए, क्योंकि उहनू पाप प्यारा है। जिन्हों जिहड़ी चीज प्यारी हुंदी उहनू करन वास्ते कई बहाने लभ लेगा। शराबी बंदे ने शराब पीण वास्ते कई बहाने लभ लेने हैं, हर तरह का किसी भी तरह का माहौल होवे, बहुती गर्मी होवे तां, सर्दी होवे तां, सुख खुशी होवे तां, रोंदा धोंदा होवे तां, क्योंकि उहनू बहाना मिलिया होया, उहने कोई ना कोई बहाना, उहनू पाप प्यारा लगदा। पापी मनुख नूं जदों पाप प्यारा तां उहनूं करन वास्ते उह अनेकां तरह दे यतन करदा, अनेकां तरह दे उपा करदा, उह छड नहीं पाउंदा उस पाप नूं। पातशाह कहिंदे कलयुग दा समां वेखो भाई, पाप बुरा है पर पापी नूं प्यारा लगदा है। पाप लदे पापे पासारा। पाप ही अपने ते लददा, पंड बन्नी जांदा पापां दी, ते पापा दी पंड बन के
लद के लैके जांदा ते पापां दा ही पसारा पसारदा, यानी कि जिथे आप पाप करदा उत्थे दूजिआं नूं भी कहिंदा तुसीं भी करो, वेखो मैं करदा। आ वेखो किन्नी वधिया रोटी खाना जदों दा मैं ठगी करन लगा, आ जा तू भी रल जा नाल। वह आप तो करदा ही आ, दूजिआं ते भी वह पापां दा पसारा पसारदा। जिवें एक गलिया फल नाल दे सारे फलां नूं गाली जांदा ना, इदा पापी मनुख दे नाल रहण वालिआं नूं भी वह अपने वर्गा बनाई जांदा, अपनी वर्गी फितरत, अपने वर्गा सुभाव। आ कहने ना भी रिश्वत नहीं जाती, जिन्ने भी महकमे ने जिन्नियां मर्जी सरकारां ने यतन कीते जाती नहीं है। क्यों नहीं जाती भला? वो जिहड़े रिटायर हो के जाते, वो पहलां रिटायर होण तों जिहड़े नवीं भर्ती आउंदी आ उन्हां नूं गुड़ती दे के जाते भी इदां लई दी है। वो अगे अगे अपनी अपनी आदत फितरत हर महकमे दे विच ये तो इदा चा सकती है भी एक बारी सारियां ही सेवा मुक्त करके बिल्कुल ही फ्रैश बंदे नवे रख ले जान, फिर तो शायद हो सकता भी एक कोड छुट जाए, नहीं तो नहीं छुटता, क्योंकि वो अपने वर्गे अगे होर पैदा करके चले जाते हैं, अपने वर्गियां होर अगे बना के चले जाते हैं। उन्हां दी प्रवृत्ति जिन दुनिया के जितने भी पाप करन वाले मनुख ने उन्होंने अपनी जिहड़ी सोसाइटी आ उन्हूं वधाउण दा यतन करना भी मेरे नाल दे होर भी काणे होण, मैं दा काणा हां, जे कल्ला काणा रहा तो दूजिआं दे विच फिर मेरी औखियाई हो जाणी, नाल दिआं नूं भी काणे कर लो, फिर एक दूजे की गल नहीं करनगे। तो इस प्रकार पापी मनुख जिथे आप अपने सिर ते पापां दी पंड चुकदा, पापे पासारा उह आले दुआले भी पापां दा ही पसारा पसारदा, दूजिआं नूं भी पाप करन वास्ते उत्साहित करदा भी तुसीं भी करो। तो इउं दा सुभाव है, पर हर पाप पछाणै आप। सतगुरु गुरु नानक पातशाह कहिंदे पर हर पाप, ऐ सज्जणा इन्हां पापां नूं त्याग, इन्हां पापां ने तैनूं नहीं फड़िया, तूं पापां नूं फड़िया होया। इन्हां पापां नूं पर हर त्याग, जिन्ने भी पाप ने सहज सहज त्यागण दा यतन करना चाहिए, चाहे निंदा करन दी आदत होवे, सुभाव हुंदा कईयां दा भी निंदा करे बिना रह नहीं सकदे, यतन करने आ कि मैं नहीं करनी निंदा, जे करन लगे एकदम अपने आप नूं रोकण दा यतन करे। मनुख दे कोले सुभाव है, जानवर कोल नहीं है। मनुख कोई माड़ा कर्म करन लगे अपने आप नूं रोक सकदा, जानवर ने अगर कुछ माड़ा करना वह नहीं रोक सकता, पशु अपने आप नूं नहीं रोक सकता। दुनिया दे विच जिहड़ी मनोविज्ञान पद्धति दे उत्ते कर्म होए, चाहे वह फ्राइड ने किए, मार्कस ने किया, उन्होंने कुछ जानवरों के उत्ते पशुओं के उत्ते इहदा प्रैक्टिकल किया, पर सियाने व्यक्तियों ने जदों उन्हां नूं कहा भी जानवरां दी मानसिकता और मनुख दी मानसिकता नूं तुसीं एक तराजू च नहीं तोल सकदे, जानवर दी मानसिकता नूं मनुख दी मानसिकता नूं। मनुख अगर कुछ माड़ा करन लगा, एक पुत्तर गाल कढ़न लगा जां कढ़ रहा सी, एकदम उहदा पिता सामने आ गया, मूँह ते हथ रख लैंदा, नहीं पिता आ गया उहदे अंदर पैया, रोक लैंदा अपने आप नूं। अगर कोई जानवर माड़ा कर्म कर रहा है वह सारी दुनिया के सामने कर रहा, उहदे ते कोई असर नहीं, वह अपने आप नूं रोक नहीं पाउंदा। तूं पातशाह कहिंदे पाप तूं फड़े है, तू इन्हां नूं त्याग सकदा, अपने आप नूं बलवान कर। बलवान किवें होवांगे? साधना नाल, सिमरन नाल, सेवा नाल, बाणी नाल, भजन नाल, सतसंगत नाल, कथा सुनन नाल, कीर्तन सुनन नाल बलवान होवांगे। जदों बलवान होवांगे पाप त्यागे जाणगे। कहिंदे पर हर पाप, पापां नूं त्याग, पछाणै आप, पापां दा त्याग करके अपने आप नूं फिर तूं पछाणेगा भी तेरा स्वरूप की है, ता तू अपने आप नूं जानेगा जे पाप दा त्याग करेगा। ना तिस सोग
विजोग संताप जेड़ा पापा नू त्याग के अपने आप नू पछाण लेंदा है। पातशाह कहिंदे ना तां उहनू कोई सोग व्यापदा ना कोई उहनू विजोग, विजोग दा मतलब प्रभु तों जेड़ा विजोग विछोड़ा पिया होया ते ना ही किसी प्रकार दा कोई ताप उहनू सताउंदा, क्योंकि पाप करेगा ते पाप सताउणगे, पाप जेड़े आ बंदे नू सताउंदे आ, उहनू इह डर रहिंदा मेरा पाप उगड़ ना जावे ते सता ही रिहा ना। औरंगजेब ने मरण तो पहला अपने पुत्रां नू वसीयत लिखी, कहन लगा मैं इन्ने पाप कीते आ बच्चेओ भी वह पाप मैनू मरण नहीं पे दिंदे, तुसी पाप ना करियो, मेरे कोलों बड़े पाप होए आ। तो पाप तपाउंदे आ मनुख नू, इस करके जदों पाप ही त्याग दिते फिर संताप कित्थे आवेगा, फिर संताप चला जाएगा, फिर सोग भी चला जाएगा, विजोग भी चला जाएगा। नरक पड़न तो क्यों रहे क्यों बंचे जमकाल। जेड़ा बंदा पापी है दसो भला वह नरकां च पैंदा किवें रह सकदा, किवें बच सकदा, वह तां पवेगा वश। नरक पड़न तो क्यों रहे, कहिंदे नरकां च पैंदा किवें रवे किवें बचे, क्यों बंचे जमकाल, जमकाल तो किवें बचे, जमण मरण तो किवें बचे, उहनू जमणा मरना ही पवेगा। क्यों आवण जाना विसरे झूठ बुरा खै काल। इहनू आवना जाना किवें विसरे, यानी कि जन्म मरण तो रहत किवें होवे, क्योंकि जो झूठा है और बुरा है उहदे नाले बार बार जुड़दा, इहनू पता भी ये झूठ है, इहनू ये भी पता भी ये बुरा है, जो झूठ है और बुरा है मुड़ मुड़ के उहदे नाल जुड़दा है, जिस करके इनू जमना पैंदा और मरना पैंदा, इहदा आवागौण नहीं कटिया जांदा। मन जंजाली वेड़िया पी जंजाला माहे। मन जंजाली वेड़िया, वेड़िया दा मतलब हुंदा घेरिया होया, घेर लैणा। कहिंदे जिहड़ा मन है इह जंजालां ने घेरिया होया, आले दुआलों कई तरह के जंजाल ने जिन्हां जंजालां ने इस मन नूं घेराबंदी कीती हुई है, निकलण ही नहीं दिंदे। एक जंजाल चों निकलदा दूजे च फस जांदा, दूजे चों निकलदा तीजे च। कदे वेख्या भी मन शांत होया वे हर वेले ही फुरने करी जांदा, हर वेले ही संकल्प विकल्प चलदे ही रहिंदे। कई कहिंदे जी जदों असीं भजन करदे आ उदों साडे मन च फुरने ज़्यादा आउंदे आ, नहीं भाई फुरने पहला भी आ रहे से, उदों असी अपने अंदर नहीं सी वेख्या, जदों भजन करके अंदर वेखण लगे तो पता लगन लग पिया भी फुरने तो फुरने तो चल ही रहे ने, संकल्प विकल्प जंजाल ही ने ना सारे। इन्हां जंजालां ने फुरनिया क फुरनिया दे जंजालां ने साडे मन नूं वेड़िया होया घेरिया होया, ते पातशाह कहिंदे मन जंजाली वेड़िया, जंजालां करके वेड़िया होया। पी जंजाला माहे, इहनू पता भी है मुड़ मुड़ के फिर जंजालां च ही पैंदा, पता भी है भी ये जंजाल ने, सब पता, ऐसा नहीं भी मनुख नूं फिर इहनू जानकारी नहीं है, पता है, पर मुड़ मुड़ के फिर जंजालां च ही पैंदा। एक जन्म बतीत करदा मुड़ के फिर दूजा जन्म जंजालां च, दूजा बतीत करदा तीजा फिर जंजालां च, कहिंदे इहदा मुड़ मुड़ के जंजालां दे विच ही पई जांदा है। बिना नावै क्यों छोटी है पापे पच है पचाहे। सजना परमेश्वर दे नाम तो बिना तू किवें छुट सकदा, नहीं छुट सकदा, पापां विच पचिया होया पचदा ही रहेगा, खुआर ही हुंदा रहेगा जदों तक पाप करेगा। परमेश्वर दे भजन तो बिना, अकाल पुरख के नाम तो बिना तू ना जंजालों चो छुट सकदा ना पापा तो छुट सकदा। तदे धन गुरु तेग बहादुर साहब नौवें पातशाह हुक्म करते हैं, ज्यों उपज्यों सो बिनस है
परो आज के काल नानक हर गुण गायले छाड़ सगल जंजाल। हे भाई परमेश्वर दे गुण गा लै उहदा भजन कर लै इन्हां जंजालां तों रहत हो के जिन्ना भी वध तों वध समा हो सके गुरु की संगत विच बैठ के कथा कीर्तन सुनीए भजन करिए बाणी पढ़िए तां जो अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर की दया उहदी दृष्टि साढ़े ते बण आवे। इतनियां कु बेनतियां समूह संगत ने प्रवान करनियां। गुरु की बाणी अगाध बोध है विचारां करदियां होईयां भुल्लां चुक्कां दी खिमा करनी अरदास करनी सतगुरु जी अगे वास्ते सदबुद्धि ते सुमत प्रदान करन। वाहिगुरु 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 जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाकुर तुम पह अरदास जियो पिंड साब तुम मात पिता हम बारक तेरे तुम्हारी कृपा मह कोई न जाने तुमरा अंत ऊचे ते ऊचा पग सागल समगरी तुमरे सूत्र तुम ते हो सो आग्या तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास जी तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास बोलो जी वाहे गुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवते जी सहाय वार श्री भगवते जी के पातशाही दस वे प्रथम भगवते सिमर कै गुरु नानक लाई ते आए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय अर्जन हर गोविंदनो सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरे कर नाओ निद्या वैताए सब थाई होए सहाय दसवे पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय दसा पातशाहियां दे जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जे
पंजा प्यारिया चौहान साहिब जा।